चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे क्राइसोफाइटस के बारे में। हाँ, यूग्लिन हम लोग क्राइसोफाइटस पढ़े हुए थे, यानी प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं अभी। और प्रोटिस्टा का जितना भी टाइप है, जैसे प्रोटिस्टा को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे क्राइसोफाइटस, डाइनोफ्लेजलेटस, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इस तरह से टोटल 5 भागों में बांटा गया है। तो जितने भी प्रोटिस्टा हैं 5 भागों में बांटे गए हैं, उन्हीं को एक एक करके हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे क्राइसोफाइटस। क्राइसोफाइटस के अंतर्गत बताया गया था कि इसमें डाइएटम आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। बताए थे गोल्डन एल्गी कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और डाइएटम कहाँ रहते हैं, समुद्र में, मेरीन वाटर में, यानी कि लवणीय जल में। अच्छा, फिर ये समुद्र का मुख्य उत्पादक किसको कहा जाता है, डाइएटम को कहा जाता है। ये सब बातें हो चुका था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइनोफ्लेजलेटस। नाम से ही लग रहा है, डाइनोफ्लेजलेटस। चलिए, हेडिंग डालेंगे डाइनोफ्लेजलेटस। अब आइए, डाइनोफ्लेजलेटस के बारे में पर हम लोग कुछ विशेष बात कर लिया जाए। जितने भी डाइनोफ्लेजलेटस होते हैं, ये मोस्टली मेरीन होते हैं। मोस्टली मेराइन बोलने का मतलब होता है कि अधिकांशतः ये कहाँ रहते हैं, समुद्रीय होते हैं, यानी कि समुद्र में रहते हैं। मोस्टली मेराइन यानी समुद्र में रहते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए, इनमें कुछ पिगमेंट पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए, सी, अल्फा कैरोटीन, जैंथोफिल। इस कारण से इन्हें इनमें अलग अलग रंग ये होता है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इनमें कुछ क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णहरित पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और जैंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये सब पिगमेंट हो गया, वर्णक है। आपको पता होगा हम लोग के बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, और उस हेमोग्लोबिन के कारण हम लोग के खून का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अच्छा, प्लांट में भी एक वर्णहरित पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णहरित क्या है, पिगमेंट है, वो भी एक वर्णक ही है जो हरे पौधों में पाया जाता है। और उसके कारण हरे पौधों के पत्तियों का रंग, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। बात समझ में आया, जो ये उनके क्लोरोफिल में भी मदद, सॉरी, उनके प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं। अच्छा, अब ये डाइनोफ्लेजलेटस होते हैं, डाइनोफ्लेजलेटस में क्या बोलेंगे, ये अधिकांशतः समुद्रीय होते हैं, समुद्र में रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ इसमें जो हैं येलो कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। और ये अलग अलग इनका जो कलर है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, मतलब इनके कोशिका में मौजूद कुछ पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। कौन कौन पिगमेंट, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और जैंथोफिल। इस ये पिगमेंट के कारण इनका अलग अलग रंग होता है। बस समझ में आया, ये अलग अलग रंगों में इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा, इसी में ये रेड कलर के भी होते हैं, जैसे रेड कलर के पिगमेंट जो है ये, जिसका नाम है गोनियालैक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गोनियालैक्स को। गोनियालैक्स जो होता है, ये किस प्रकार से दिख रहा है, इसका रंग कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। गोनियालैक्स नाम का एक रेड डाइनोफ्लेजलेटस होता है, जिसके कारण लाल समुद्र का पानी लाल होता है। समुद्र का पानी सुने होइएगा ना, कुछ लोग बोलते हैं वो लाल सागर है, मतलब लाल समुद्र है, वहाँ का पानी लाल होता है। तो लाल पानी होने का कारण उसमें से गोनियालैक्स का भी होता है। गोनियालैक्स जो है रेड कलर का होता है, और रेड कलर का ये अपने संतति को, इतना अपने संतानों को इतना ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर लेता है कि पूरा का पूरा ये समुद्र के ऊपर में लाल रंग के बिछ जाते हैं। और लाल रंग के इस प्रकार बिछ जाते हैं कि वो बना लेते हैं रेड टाइड। उसको क्या कहा जाता है, रेड टाइड। रेड टाइड का मतलब होता है लाल तरंग का निर्माण, किसके द्वारा होता है, गोनियालैक्स के द्वारा। याद रखिएगा, गोनियालैक्स अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, डाइनोफ्लेजलेटस। डाइनोफ्लेजलेटस में ही एक रेड कलर का, चूंकि हम अभी बोले हैं ना, ये अलग अलग रंगों में होते हैं,
अलग अलग रंगों में क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इनका रंग भी अलग अलग होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि जो रेड कलर के होते हैं यानी रेड टाइड का जो निर्माण करते हैं, लाल तरंग का जो निर्माण करते हैं यानी समुद्र पर लाल रंग के पूरे बिछे हुए होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन वो रेड कलर के डायनोफ्लेजलेटस हैं और उस डायनोफ्लेजलेटस का नाम क्या होता है? गोनिया लैक्स। अच्छा सर, इनके नाम से भी लग रहा है डायनोफ्लेजलेटस, डाई डाई मतलब ओ, फ्लेजलेटस यानी फ्लेजेला, यानी कि इसमें कई गो कशाभिका होगा? दो गो कशाभिका होगा। कशाभिका कैसा होगा जी, कै गो होगा कशाभिका? सर गोनिया लैक्स में दो गो कशाभिका होगा, यानी कि डायनोफ्लेजलेटस में कशाभिका का संख्या कितना होता है? दो होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा दो गो होगा? एक होता है ट्रांसवर्स जैसा कि, और दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स जैसा कि इस तरह से, इसमें ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है, यानी अनुप्रस्थ इस तरह से रहेगा तो अनुप्रस्थ हुआ, जैसा देखेंगे अगर इस तरह से है तो ये ट्रांसवर्स है, इस तरह से तो ये है लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में आया? यानी लंबा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, इस तरह से रहेगा तो ट्रांसवर्स। फिजिक्स में ये सब वर्ड आप लोग को मिलता होगा। तो ये एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में? ये है एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में। तो यहाँ आपको एक्स एक्सिस में जो दिख रहा है ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, आई हो गया लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो ये क्या होते हैं यानी कि इनका इनमें ट्रांसवर्स मतलब फ्लेजेला कैगो होता है? दो गो होता है। कशाभिका कितना होगा? दो होगा। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है लंबवत। देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या होता है? ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होगा, जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फ्लेजेला इनमें कशाभिका जो है एक पूरा लंबा सा लंबवत है, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजेला। एक फ्लेजेला जो होता है इनमें ट्रांसवर्स होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसी में घिरा घिरा से ऐसे घुमा घुमा हुआ होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स होगा। अरे आया समझ में? अच्छा चलिए, अब हम लोग इसको लैंग्वेज में पहले लिख लिया जाए एक बार। डायनोफ्लेजलेटस क्या होते हैं तो लिख लेंगे, दे आर मोस्टली मेराइन एंड फोटो सिंथेटिक, यानी इसका मतलब हुआ ये अधिकांशतः क्या होते हैं जी? ये अधिकांशतः समुद्रीय तथा प्रकाश संश्लेषी तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये अधिकांशतः समुद्रीय तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, बोलिए अगला पॉइंट क्या लिखिएगा? इनमें सर अलग अलग रंगों के, इनमें अलग अलग प्रकार के इनके इनमें वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि वर्णक किस क्यों पाए जाते हैं, मतलब उस वर्णक के कारण इनमें क्या होता है कि सर ये अलग अलग रंग के होते हैं। भी पॉइंट लिख लीजिए, दे हैव डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स, इनमें भिन्न, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स, इनमें भिन्न भिन्न वर्णक पाए जाते हैं या होते हैं, लाइक जैसे
जैसे क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, अल्फा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड सी, अल्फा कैरोटीन एंड जेंथोफिल, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड सी कॉमा अल्फा कैरोटीन और जेंथोफिल। हिंदी बोल सकते हैं? एकदम टाइम पे हैं जी आप लोग। हिंदी लिखेंगे, देखिए इनमें इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए और सी, जैसे क्लोरोफिल ए और सी जैसे क्लोरोफिल ए और सी हो गया, जैसे क्लोरोफिल ए और सी कॉमा अल्फा कैरोटीन कॉमा अल्फा कैरोटीन कॉमा अल्फा कैरोटीन और जेंथोफिल। क्या बोले हैं? इसमें विशेष प्रकार के वर्णक, इसमें विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए और सी कॉमा अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, इसको अल्फा पढ़ते हैं जी, इसको क्या पढ़िएगा? अल्फा पढ़ेंगे, ठीक है? यह है अल्फा, अल्फा, अल्फा कैरोटीन और जैंथोफिल, जैंथो हिंदी में ही लिखना है, जैंथोफिल और जैंथोफिल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दे हैव, ऐसे लिखिए एक मिनट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, due to presence of different different type of pigment, different type of pigments, due to presence of different type of pigments, they are of different color. Like green, blue, brown, red, white, etc. क्या बोले हैं? Due to presence of different type of pigments, यानी कि अलग अलग प्रकार के वर्णक के पाए जाने के कारण, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग रंगों में होते हैं, ठीक है? ये अलग अलग रंगों वाले होते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, वाइट, वाइट नहीं भाई, ये वो येलो कर लीजिए, ब्राउन तो हो ही गया, भूरा, एक येलो कर लीजिए,
येलो एक्सेट्रा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग इन वर्णकों के उपस्थिति के कारण, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के उपस्थिति के कारण ये अलग अलग रंगों वाले होते हैं। बात समझ में आया? जैसे ये लाल होते हैं, ब्लू ब्लू होते हैं, नीले होते हैं, ठीक है, हरे होते हैं, पीले होते हैं, भूरे होते हैं, ब्राउन इत्यादि, ठीक है। चलिए अब इसका हिंदी बोला जाए, लिखेंगे देखिए, इनमें इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णकों के उपस्थिति के कारण, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णकों के उपस्थिति के कारण, अभी वर्णक बताए ना कौन कौन होता है, तो इनमें विभिन्न प्रकार के, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णकों के, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णकों के उपस्थिति के कारण ये अलग अलग रंगों, ये अलग अलग रंगों जैसे, ये अलग अलग रंगों जैसे, ये अलग अलग रंगों जैसे हरा, जैसे हरा कोमा नीला कोमा भूरा, जैसे हरा कोमा नीला कोमा भूरा कोमा लाल कोमा पीला इत्यादि वाले होते हैं। नहीं, इत्यादि वाले होते हैं। अब लैंग्वेज पढ़िए, पता चल जाएगा हम क्या बोले। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये अलग अलग रंगों जैसे हरा नीला भूरा काला पीला लाल पीला इत्यादि वाले होते हैं। तो रंग पहले ही लिखवा दिए हैं, तो फिर से रंगों वाले मत लिखिएगा। चलिए अच्छा, उसके बाद इनका तो पता चल गया कि ये अलग अलग रंगों वाले होते हैं, और ये अलग अलग रंग वाले इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, इनमें अलग अलग प्रकार का वर्णक पाया जाता है, और उसी पिगमेंट के उपस्थिति के कारण, उसी पिगमेंट के उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है जी, अलग अलग रंगों में होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, दे आर बाई फ्लैजेलेटेड, दे आर बाई फ्लैजेलेटेड, ये क्या होते हैं जी, द्विकसाविकीय होते हैं, यानी कि इसमें दो कसाविका होता है। बात समझ में आया? ये द्विकसाविकीय होते हैं, ठीक है, इनमें दो को कसाविक होगा। दे आर बाई फ्लैजेलेटेड, वन प्लेस्ड, मतलब एक कहाँ स्थित होता है, बाई फ्लैजेलेटेड का मतलब होता है द्वि कसाभिक, बाई मतलब दो, फ्लैजेलेटा फ्लैजेलेटेड मतलब कसाभिका, यानी ये द्वि कसाभिकीय होते हैं। वन दे आर बाई फ्लैजेलेटेड, वन प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडिनली लॉन्गिट्यूडनली एंड अनदर प्लेस्ड एंड अनदर प्लेस्ड एंड अनदर प्लेस्ड, क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्सली,
पढ़ लिए हैं, मतलब कि इसका मतलब हुआ दे हैव टू फ्लैजेला। इनमें कशाभिका कै गो होता है जी? दू गो कशाभिका होता है। एक कशाभिका कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबवत रूप से स्थित होता है, और दूसरा का क्या कैसा होता है? एंड एनदर प्लेस्ड ट्रांसवर्सली, और दूसरा कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। ट्रांसवर्सली जैसे आपको बताएं इस तरह से ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनली जैसे इस तरह से। तो इसमें कै गो फ्लैजेला होगा जी? सर दो फ्लैजेला होता है, ठीक है, दो गो इसमें फ्लैजेला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा कैसा होता है? ट्रांसवर्सली, ठीक है, यही था ना। इसमें आपको बताए हैं अभी दो तरह का फ्लैजेला आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैजेला एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक ही इस तरह से होता है, इसमें ये चारों तरफ से घुमा हुआ रहता है यहाँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ चारों तरफ से घुमा हुआ रहेगा ये होता है ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल लंबवत, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा तो हिंदी इसका लिखिए, इनमें दो कशाभिका होता है, इनमें दो कशाभिका होता है। हम लोग चाहते तो इसको आसान भाषा में ऐसे ही लिखते, दे हैव टू फ्लैजेला, समझ में आया, वही हुआ बाई फ्लैजेलेटेड। देखेंगे इनमें दो कशाभिका होता है, इनमें दो कशाभिका होता है, एक इनमें दो कशाभिका होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, इनमें दो कशाभिका होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक लंबवत तथा दूसरा, एक लंबवत तथा दूसरा अनुदैर्ध्य रूपों में स्थित होता है, एक लंबवत तथा दूसरा, एक लंबवत तथा दूसरा अनुदैर्ध्य, एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ कर दीजिए उसको, तथा दूसरा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वर्ड इसके लिए लगेगा, अनुप्रस्थ, प्र आधा स्वर थ, अनुप्रस्थ ले लिख लीजिए, पहला लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से, अनुप्रस्थ रूप में स्थित होता है, ऐसे लिखिएगा, अनुप्रस्थ रूप में स्थित होता है। इनमें दो कशाभिका होता है, एक लंबवत तथा, एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप में स्थित होता है, एक लंबा होगा और दूसरा ट्रांसवर्स होगा यानी अनुप्रस्थ होगा, हो गया। लिखेंगे इट्स सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, इट्स सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल, सो इट्स सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट्स सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी इसके कोशिका भीति किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। देख लीजिए इसकी कोशिका भित्ति क्या लिखे हैं, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या बोलिए? चलिए अच्छा बात पूछे भाई, पूछना ना चाहिए, बोलिए नहीं रहे आप लोग। सेलुलोज आपको पढ़ाए हुए थे, कवक का कोशिका भित्ति शुरू में समझाए थे, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, जीवाणु का कोशिका भित्ति अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है,
प्लांट जितना भी होते हैं पौधे, उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऊपर का रेशा रेशा नहीं देखते हैं पौधों में, सेलुलोज है। अच्छा, मनुष्य की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मनुष्य मतलब जी एनिमल की, तो एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं है, हम लोग में सेल वाल के जगह पे सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है। बात समझ में आ गया? तो कोशिका ये सेलुलोज हो गया, जिससे ये बना हुआ होगा कौन? डाइनोफ्लैजेलेटस, सेलुलोज का बना हुआ होता है। अरे पौधे का भी कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होगा? तो सब सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, साग सब्जी आप लोग खाते हैं, ऊपर से रेशेदार चीजें निकालते हैं, सेलुलोज है वो। ठीक है, अच्छा चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। कोशिका भित्ति उनका बाहरी आवरण है, कोशिका का भित्ति, मैं समझ में आया? तो बाहरे में ना होगा। अच्छा, तो सेलवल इसका सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? रेड डाइनोफ्लेजलेटस, हिंदी लास्ट लिखवा दिए, वही सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, रेड डाइनोफ्लेजलेटस, रेड डाइनोफ्लेजलेटस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई एंड रेड डाइनोफ्लेजलेटस मल्टीप्लाई एंड एंड फॉर्म्स रेड टाइड। इन ओशियंस रेड डाइनोफ्लेजलेटस मल्टीप्लाई, यानी कि लाल डाइनोफ्लेजलेटस अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। लाल डाइनोफ्लेजलेटस क्या करते हैं जी? अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं और हिंदी बोल दें, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लाल डाइनोफ्लेजलेटस अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं और समुद्रों में लाल तरंग का निर्माण करते हैं। जैसे उसका नाम क्या है, जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या लिखिएगा? गुनियालेक्स, हिंदी लिख लेंगे लाल डाइनोफ्लेजलेटस, हिंदी लिखिए लाल डाइनोफ्लेजलेटस, लाल लाल डाइनोफ्लेजलेटस अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, लाल डाइनोफ्लेजलेटस लाल डाइनोफ्लेजलेटस अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं और लाल डाइनोफ्लेजलेटस अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं और समुद्रों में लाल तरंग का निर्माण करते हैं। रेड टाइड को हिंदी में कहते हैं लाल तरंग। क्वेश्चन नीट का पूछा गया है, लाल तरंग का निर्माण किसके द्वारा होता है? अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं और समुद्रों में लाल तरंग का निर्माण करते हैं और समुद्रों में लाल तरंग का निर्माण करते हैं। देखिए ये लाल तरंग अभी बताए थे ना हम, समुद्र में यही है रेड टाइड, यानी रेड टाइड इसी को कहते हैं लाल तरंग का निर्माण करना। तो लाल तरंग का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोनियालेक्स के द्वारा, यानी या आप बोल सकते हैं डाइनोफ्लेजलेटस के द्वारा। कौन से डाइनोफ्लेजलेटस के द्वारा? तो सर रेड कलर के डाइनोफ्लेजलेटस के द्वारा। उस रेड कलर के डाइनोफ्लेजलेटस का नाम क्या है? गोनियालेक्स। तो गोनियालेक्स जो होता है ये समुद्र में अपनी संख्या को बहुत जब बढ़ाएगा तब ना इसका संख्या इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुद्र का पानी कैसा प्रतीत होगा? लाल होगा। ठीक है, यानी ड्यू टू गोनियालेक्स ये रेड सी वाटर ऑफ रेड सी एपियर्स रेड, यानी कि गोनियालेक्स के कारण लाल समुद्र का पानी लाल प्रतीत होता है। बात समझ में आया?
गोनियालेक्स के कारण ही रेड सी जो होता है ना, लाल समुद्र, उसका जो वाटर, रेड वाटर जो होता है वो किसके कारण होता है? गोनियालेक्स के कारण होता है। लाल समुद्र का, लाल सागर का लाल पानी गोनियालेक्स के कारण होता है। ठीक है, चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख लेंगे, क्या गोनियालेक्स, गोनियालेक्स क्या है सर? गोनियालेक्स लाल समुद्र है, सॉरी लाल डाइनो फ्लेजलेटस है। क्या है जी? रेड डाइनो फ्लेजलेटस है, और इसी कारण समुद्र कैसा दिखाई देता है? लाल, यानी इसी कारण समुद्र लाल दिखता है। हो गया? गोनिया लैक्स, हिंदी में गोनिया क्या पढ़िएगा उसको? गोनिया लैक्स, हिंदी लिख लेंगे गोनिया लैक्स। हो गया? हो गया? अब ये अपने संख्या को इतना ज्यादा बढ़ा लेगा कि समुद्र का रंग कैसा, समुद्र का पानी कैसा प्रतीत होगा? लाल प्रतीत होगा। ठीक है, यानी लिख लेंगे ड्यू टू रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन गोनियालैक्स, यानी गोनियालैक्स में तेजी से मल्टीप्लीकेशन, चाहे मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? अरे मल्टीप्लाई मैंने गुणा करना, सुनना है ना जी? तो गुणा करते हैं तो बढ़ता है कि घटता है? सर बढ़ जाता है। तो ये अपने संख्या को बढ़ाएगा, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, यानी रैपिड मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ यानी कि गोनियालैक्स के संख्या में तेजी से विकसित होने के कारण। ठीक है, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन गोनियालैक्स, गोनियालैक्स सी अपीयर्स वाटर ऑफ सी, कर दीजिए समुद्र का पानी लाल प्रतीत होता है। वाटर ऑफ सी, वाटर ऑफ सी अपीयर रेड, वाटर ऑफ सी अपीयर रेड, यानी रैपिड मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन गोनियालैक्स, यानी गोनियालैक्स के संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण समुद्र कैसा प्रतीत, समुद्र का पानी कैसा प्रतीत होता है? वाटर ऑफ सी अपीयर रेड, चाहे सी अपीयर रेड मतलब समुद्र भी लाल प्रतीत होता है, चाहे समुद्र का पानी लाल प्रतीत होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना फिगर में जैसे, चलिए हिंदी बोले क्या, अब लिखेंगे गोनिया लैक्स के संख्याओं में तेजी से, गोनिया लैक्स, गोनिया लैक्स, गोनिया लैक्स, लय आधा क स लैक्स, गोनिया लैक्स के संख्याओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण, गोनिया लैक्स के संख्याओं में गोनियालैक्स के संख्याओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण, गोनियालैक्स के संख्याओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण, तेजी से वृद्धि होने के कारण समुद्र का रंग लाल प्रतीत होता है, समुद्र का रंग लाल प्रतीत होता है, समुद्र का रंग समुद्र का रंग लाल प्रतीत होता है। समुद्र का रंग कैसा प्रतीत होगा? लाल प्रतीत होता है। हो गया? अच्छा, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो समुद्र में, जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ज्यादा संख्या होगा तो ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ को ना उत्पन्न करेंगे, ज्यादा अपने अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ेंगे। मान लीजिए जनसंख्या अगर बढ़ जाए बहुत बड़ा, आप देखे होइएगा बाढ़ हो रहा है, तो बाढ़ आता है तो लोग क्या करता है, गाँवों को छोड़कर ऊंचाइयों पर चला जाता है, जैसे नहर वहर पर चला आता है, चाहे ऊंचा अगर रोड है तो उस पर आ जाता है। जब ऊपर आएगा तो अपने टॉक्सिक पदार्थ को, यानी मल मूत्र को कहाँ छोड़ेगा? पनिया में नीचे थोड़े जाएगा छोड़ने, ऊपर ही ना छोड़ेगा,
ऊपर में कुछ एकदम से लाल पीला हरा भूरा जिस तरह का जो जिसको अपशिष्ट पदार्थ निकालना है, मैंने जैसे पैखाना पेशाब को जैसे छोड़ना है सब उसी पे छोड़ेगा। तो ये सब क्या है, जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है भाई, एक तरह से जहरीला पदार्थ है, इसको टॉक्सिक कह सकते हैं हम लोग अपने लिए। ये यूरिया को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, एक तरह से ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कम ही जहरीला है। यूरिया बनता है हम लोग के शरीर में अमोनिया, लेकिन निकलता किस रूप में है, यूरिया के रूप में निकलता है, ये बताए ही हैं आप लोग को। हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं वो किस रूप में निकालते हैं, यूरिया के रूप में। जल में रहने वाले जीव अपशिष्ट पदार्थ को किसके रूप में निकालते होंगे, अमोनिया के रूप में। ये कहाँ रहते हैं, जल में न रह रहे हैं, आपको पढ़ाए हैं जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को निकालते हैं। जितने भी पक्षी है बर्ड्स है ये सब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। हम लोग क्या निकालते हैं, यूरिया, ठीक है, यूरिया निकालते हैं। तो जहरीला, सबसे जहरीला होता है अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ को कौन निकालता है, समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जल में जो रहते होंगे। इसका मतलब टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच अ लार्ज नंबर ऑफ दिस गोनियालैक्स मे इवन किल एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में गोनियालैक्स की इतनी भारी संख्या के द्वारा समुद्र में स्रावित होने वाले जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन यानी जहर आवेश के उत्पन्न होने से, स्रावित होने से जलीय जीव जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। और मान लीजिए ये रेड टाइड आपको दिख रहा है, रेड टाइड है ना जी, लाल तरंग दिख रहा है, इसके कारण पूरा का पूरा समुद्र कैसा दिखाई दे रहा होगा, लाल दिखाई दे रहा होगा। तो लाल तरंग के कारण पूरा समुद्र अगर लाल दिख रहा है, इसका मतलब कि ये ज्यादा मात्रा में जब इसका संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है तब ना समुद्र लाल दिखता है। अरे एक बात बताइए हमको, मान लीजिए इनका टी शर्ट रेड है, अब पूरा क्लास में रेड दिखने के लिए क्या करना होगा, तो आपको लाल टी शर्ट पहनना पड़ेगा। तो संख्या टी शर्ट का बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो मान लीजिए उसी तरह इनका संख्या लाल है, एगो अकेले से समुद्र का पानी लाल थोड़े दिखेगा, बहुत संख्या इनका होगा तब जाके समुद्र का पानी लाल दिखेगा। और जब समुद्र का पानी लाल दिखेगा तो इसमें सब अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ेंगे, क्योंकि उनका संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब ये अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ेंगे अपने यानी टॉक्सिन को छोड़ेंगे, तो विषैले पदार्थ को छोड़ेंगे, इसके कारण क्या होगा कि जितने जलीय जीव हैं जैसे मछली सब मर जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे टॉक्सिन्स रिलीज्ड toxins released from this large number of gonialax may even cause death, may even cause death of aquatic animals like fishes। बात समझ में आया, यानी इसका मतलब है टॉक्सिन्स रिलीज्ड फ्रॉम दिस लार्ज नंबर ऑफ गोनियालैक्स, ठीक है, यानी कि इन बड़ी संख्याओं वाले गोनियालैक्स के द्वारा उत्पन्न होने वाले आवेश के कारण जलीय जीवों जैसे मछलियों की मृत्यु हो सकती है। हो गया, हिंदी बोल दिया जाए,
हिंदी बोलें, देखेंगे देखिए, टॉक्सिन्स रिलीज्ड फ्रॉम दिस लार्ज नंबर ऑफ गोनियालैक्स में इवन कॉज डेथ। हाँ लिखेंगे, इन बड़ी संख्याओं, देखिए गोनियालैक्स के इन बड़ी संख्याओं के द्वारा, ऐसे लिखिएगा गोनियालैक्स, गोनियालैक्स के इन बड़ी संख्याओं के द्वारा, गोनियालैक्स के बड़ी संख्याओं के द्वारा, गोनियालैक्स के इन बड़ी संख्याओं के द्वारा आबिस उत्पन्न होते हैं। आबिस, आबिस माने जोहर हो गया, जहरीला पदार्थ हो गया, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ निकालेंगे वो तो जहरीले ना होगा जी, कहे कि लोग अमोनिया निकालेंगे, जल में रहने वाले जीव जो अपने अवशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं वो कौन सा रूप में निकालते हैं, अमोनिया के रूप में। तो क्या लिखे हैं, गोनियालैक्स, गोनियालैक्स के इन बड़ी संख्याओं के द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं जो जलीय जीवों, जो जलीय जीवों जैसे मछलियों, जो जलीय जीवों जैसे मछलियों जैसे मछलियों की मृत्यु का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बन सकते हैं, यानी गोनियालैक्स के इन बड़ी संख्याओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले आवेश जलीय जीवों जैसे मछलियों के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हो गया, चलिए तो गोनियालैक्स आप लोगों का खत्म हो गया, ये फाइनल हो गया, लास्ट तक इसको याद कर लीजिएगा, अब आज रहने दिया जाए इसको इतना ही पे, कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपका क्या है जी, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़कर आइएगा, ये फाइनल हो जाएगा आप लोग का नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा प्रोटिस्टा, और उसके बाद तब हम लोग फंजाई को स्टार्ट कर दिया जाएगा।